नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। ये जो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे रमेश सिंह में ही हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा इसके बारे में बात हो रही है। तो भाई 1990s में हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, और उसके चलते जो वेरी नेचर था हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, उसको बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से हमारी सरकार को बदलना पड़ा, और उसके लिए लाई गई आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। पर इस पॉलिसी से एक ऐसा रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ जो अपने आप में एक अलग पॉलिसी थी, ठीक है ना। वो रिफॉर्म नहीं था, वो अपने आप में एक अलग पॉलिसी थी। और इसकी शुरुआत क्यों हुई, चूंकि इंडिया में आ गई थी सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कब आई थी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो जून 1991 में हमारे साथ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आके खड़ी हुई थी। और उसके चलते, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे यह बताया गया है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह क्या थी। देखिए, सबसे पहली वजह थी गल्फ वॉर। 1991 में गल्फ वॉर हो गया, तो आप कह सकते हो कि इराक ने अटैक बोल दिया कुवैत के ऊपर, ओवरऑल गल्फ वॉर छिड़ गया। अब इस गल्फ वॉर छिड़ने के चलते ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन इराक हुए, तो इसके आसपास का पर्शियन गल्फ वाला, इस रीजन में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है, और यही रीजन अगर जंग पे है तो नॉर्मल बिजनेस बंद हो जाएगा। तो तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब जब तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तो पहले इंडिया जो सस्ते में तेल खरीदा था महंगे में खरीदेगा, तो इंडिया को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्चना पड़ेगा, और उस समय पर हमारी इकोनॉमी तो बड़ी थी नहीं। तो हमारी इकोनॉमी ना बड़ी होने की वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे, वो बहुत तेजी से खत्म होने लगे, और हर देश के पास उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना जरूरी है। आज की डेट में दुनिया का बाप बन के बैठा है चाइना, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के दम पे 3 ट्रिलियन टन, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, 3,500 बिलियन डॉलर्स हैं इसके पास रिजर्व्स। इंडिया के लगभग 600-700 बिलियन डॉलर हैं। नंबर 2 पे कौन आता है, जापान। नंबर 3 पे कौन आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, ये बताइए। जापान के पास शायद 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ओवरऑल आप देखो तो, जैसा कि हमने देखा कि एक तो गल्फ वॉर रीजन हो गया, दूसरा शार्प डिक्लाइन इन द प्राइवेट रेमिटेंसेस फ्रॉम द ओवरसीज इंडियन वर्कर्स। गल्फ वॉर हुआ तो इस रीजन में डिप्लॉयड जो इंडियंस थे उनकी नौकरियां जाने लगी। अब नौकरियां तो जाएंगी ना भाई, जिस रीजन में जंग छिड़ी हुई है वहां पे धंधा तो चल नहीं पाएगा, बिजनेस चल नहीं पाएगा। बिजनेस नहीं चल पाएगा तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हाथ जोड़ लेंगे एम्प्लॉयज से कि भैया हम तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे तो हमारा धंधा ही बंद हो गया। तो उसके चलते होगा ये कि पहले जो इंडियन एम्प्लॉयज इन गल्फ कंट्रीज में रहकर काम करते थे और अपने घर में पैसा भेजते थे, वो पैसा इन्होंने भेजना बंद कर दिया, तो प्राइवेट रेमिटेंसेज आने बंद हो गए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में, 17% हमारे यहाँ पे महंगाई हो गई थी। हमारी जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट थी वो 8.4% पहुंच गई थी। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मैंने पहले बताया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और इंडिया के पास जून 1991 में केवल 2 हफ्तों का इम्पोर्ट कवरेज बचा था, मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में केवल इतना पैसा था कि आने आने वाले 2 हफ्तों का ही इम्पोर्ट हम फाइनेंस कर सकते थे, उसके बाद हम खरीद ही नहीं पाते तेल बाहर से। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में हो गई थी। तो इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे आए मार्केट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, और धीरे धीरे इन मार्केट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आए थे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए। यहाँ पे ट्रेड और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को मार्केट रेट के हिसाब से किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया, इंडियन मार्केट को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए खोला गया, बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जो कि लॉस मेकिंग थी, और तब भी इनके एम्प्लॉयज फ्री में बैठे सैलरियाँ खा रहे थे, इनको पुश किया गया कि तुम भी प्रॉफिटेबल बनो। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को रिसीव हुआ ना, ये कहाँ से रिसीव हुआ, IMF से। एक्चुअली इंडिया गया IMF के पास लोन मांगने। IMF का काम यही है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो, तो इंडिया जाएगा IMF के पास, बोलेगा कि हमको पैसों की ज़रूरत है, थोड़ा पैसा दीजिए। IMF बोलेगा हम आपको पैसा तब देंगे जब आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को मानोगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी IMF ने इंडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं वो कंडीशन हमारे फेवर में ही गई है। IMF ने बोला कि भाई आपकी जो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है आपका इकोनॉमी का, आपको उसको बदलना पड़ेगा। तो ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, कब अनाउंस की गई, तो ये अनाउंस की गई भैया 23 जुलाई 1991 को ये ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई। और यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट की भी बात की गई। IMF ने जो कंडीशनलिटीज लगाई थी ना कि भाई आपको ये शर्त पूरी करनी, ये शर्त पूरी करनी, इन शर्तों को भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के थ्रू।
क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में, इसको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली करिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर हेल्प कर सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल, क्योंकि वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए मैं बोलता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ओवरऑल harshdedi.com पे जाके आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए द इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द IPR 1956 वर कट डाउन टू ओनली 8। मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 की थी उसमें बताया था कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज है। उसमें जो शेड्यूल ए था उसमें से कुछ कह सकते हैं लगभग 17 सेक्टर्स में, 17 इंडस्ट्रीज में सारी की सारी कंपनी अगर कोई खोलेगा तो केंद्र की सरकार खोलेगी, ना राज्य की सरकार खोल सकती है, ना ही प्राइवेट कोई मतलब कंपनी खोल सकती है। आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि पहली बात तो सरकार ने पॉलिसी में बोला कि 17 सेक्टर्स नहीं, केवल 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर केवल केंद्र सरकार कंपनियां खोल सकती है, और धीरे धीरे करके इसको और रिलैक्स किया है। आज की डेट में केवल 2 ऐसे सेक्टर्स बनते हैं, केवल 2 ऐसी इंडस्ट्रीज बनती हैं जो कि फुल्ली या पार्शली रिजर्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हो कौन कौन सी हैं। अब एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर माइनिंग, फ्यूल फैब्रिकेशन, एटॉमिक फ्यूल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीज़ें भाई देखिए टोटली केंद्र सरकार के हाथ में होनी भी चाहिए। अब एटॉमिक रिसर्च और एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज तो केंद्र के पास रहेंगी, सिंपल है। और एक है रेलवेज, रेलवेज काफ़ी हद तक केंद्र, ये केंद्र सरकार के पास रही है, लेकिन रेलवेज में भी लिमिटेड तौर पे प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, लिमिटेड ठेके बनाए जा रहे हैं, लिमिटेड लाइंस पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बोला जा रहा है कि आप अपने वैगन्स बिछाइए, आप ट्रेन चलाइए, आप भी पैसा कमाइए, भारत सरकार को भी पैसा दीजिए। तो कोशिश की जा रही है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कि ओवरऑल रेलवेज में भी हल्का हल्का प्राइवेटाइजेशन आया जाए, बट वो प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से आ नहीं पा रहा है, उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं। इन इशूज़ को अक्सर कर मैं करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, तो मेरे करंट अफेयर्स का जुड़े रहिए अगर आप होलिस्टिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पहले भाई आपकी शेड्यूल बी कंपनी और शेड्यूल सी कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे खोल रही है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग रिजीम था। अब इस लाइसेंसिंग रिजीम को कट डाउन किया गया, अब केवल 18 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई जहाँ पे अगर आपको कंपनी खेलनी, किसी प्राइवेट सेक्टर को कंपनी खोलनी है तो भाई उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ये 18 का नंबर कम होता गया, आज की डेट में 4 केवल ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे अगर आपको बिजनेस खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कौन कौन सी है वो, तो एरोस्पेस और डिफेंस रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको बिजनेस खोलना है तो सरकार से लाइसेंस चाहिए, गन पाउडर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटिव और डेसोनेटिव फ्यूज में खोलना है तो आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए, डेंजरस केमिकल में चाहिए, और टबैको सिगरेट्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनी खोलने में लाइसेंस चाहिए सरकार से। तो डी लाइसेंसिंग होगी इंडस्ट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं एबोलिशन ऑफ MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मैंने आपको बताया था, ओके। तो ये जो MRTP की लिमिट थी वो 100 करोड़ कर दी गई थी, ठीक है, सो दैट द मर्जर्स एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स ऑफ द कंट्रीज कुड बिकम पॉसिबल। इन 2002 अ कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज पास्ड विच रिप्लेस द MRTP एक्ट। तो ये MRTP वाली लिमिट 100 करोड़ कब की गई थी, तो मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट बताया था 1985-1986 का, तो उसके थ्रू MRTP 100 करोड़ कर दी गई, पहले थी 25 करोड़, ठीक है ना, 25 करोड़ के बाद हुई है 50 करोड़, 50 करोड़ के बाद हुई है 100 करोड़। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब 1991 के रिफॉर्म शुरू हुए, LPG रिफॉर्म्स, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया 1991 का, तब 2002 में, चूंकि ये रिफॉर्म्स आज तक चालू हैं, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से शुरू हुई है ना, कहीं ना कहीं इसको आज भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आज भी तो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं। तो 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट पास किया गया जिसने MRTP को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, और MRTP की जगह क्या आया, MRTP की जगह आया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अक्सर कर न्यूज़ में रहता है, ठीक है भाई। हालांकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पे कुछ सवाल उठाए गए कि इसके कंपोजिशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, फंक्शंस में इसके पास इतनी पावर नहीं है, बट ओवरऑल MRTP कमीशन से इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। फिर बात करते हैं प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया टिपिकली एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इस क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल के एक्सेस को बढ़ाया, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसने ओवरऑल जो ड्रैकोनियन फेरा था इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया। इनफैक्ट मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि जो फेरा था ना इसको फेमा से रिप्लेस कर दिया गया,
हैव अ लुक, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, गॉट इट। और फेरा से ज्यादा लिबरल था आपका फेमा, तो फेरा की बजाय फेमा आया और इसके चलते फैसिलिटेट हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद आप देखोगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया इंडिया के अंदर वो एक्चुअली में दो फॉर्म्स में आया, ये समझना जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आया वो दो फॉर्म्स में, एक डायरेक्ट फॉर्म में, एक इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्म वाला जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इसको बोला था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें MNCs को ये बोला गया कि ठीक है भाई आप इंडिया में आके ओवरऑल एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, कोई नई कंपनी बना सकते हैं और अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी को ये भी सहूलत दी हुई कि आप इंडिया में आइए और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उसकी ओवरऑल उतनी स्टेक होल्डरशिप आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल 26% से 100% तक की ओनरशिप दी गई अलग अलग सेक्टर्स में। आज की डेट में तो हमारे जो पॉलिसी लीडर्स हैं ना वो दुनिया भर की कंपनीज के पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आइए, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत डिजायरेबल समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी, क्योंकि कोई भी नई कंपनी आके अगर अपना धंधा खोल रही है इंडिया के अंदर तो वो अपनी मशीनें लेके आएगी, अपने इंजीनियर्स लेके आएगी, तो हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। हालांकि वो वाली FDI जब कोई कंपनी आके स्टेक खरीद लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ने रिसेंटली जियो के 9.99% शेयर खरीद लिए, तो यहाँ पे जियो तो पहले से इस्टेब्लिश है ना, फेसबुक ने यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ऑलरेडी जो एक कंपनी इस्टेब्लिश थी उसके स्टेक्स खरीदे हैं। फिर इनडायरेक्ट में क्या आया, इनडायरेक्ट में आया FII, और ये FII किसके थ्रू आया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू। इसके चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में आके शेयर खरीद सकते हैं। अब समझिए, मैंने FDI में आपको दूसरा जो ऑप्शन बताया था, मैंने बताया कि फेसबुक आई और उसने जियो के स्टॉक्स खरीद लिए, उसने डायरेक्टली जियो के स्टॉक्स खरीदे, किसी एक्सचेंज पे जाके जियो के स्टॉक्स नहीं खरीदे, मतलब उसने जियो में 9.99% की ओनरशिप खरीदी। और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, तो ये किसी प्रॉपर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझ गए बात को। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इंस्टीट्यूशंस अलाउड है, इंडिविजुअल्स अलाउड नहीं है। तो जो अच्छे क्रेडिबिलिटी वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंडियन सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप को FII लिस्ट करके, समझ गए बात को। तो उनको अपने आप को SEBI के साथ एक स्टॉक ब्रोकर की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉपर कंपनीज होती हैं, और इन कंपनीज के बैकग्राउंड में जो अलग अलग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन FIIs के थ्रू पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते जिस FII के थ्रू आप पैसा खत्म कर रहे हो वो SEBI के साथ रजिस्टर्ड हो, ठीक है, इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं। तो कल की डेट में टॉम क्रूज जो कि USA में बैठे हैं वो सीधे सीधे पैसा आके हमारी NSE पे या BSE पे खरीदने लगे, वो नहीं हो सकता। उनको पहले जाना पड़ेगा किसी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास, और रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के थ्रू वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। फिर अगला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड जो प्रावधान थे उनको सिंप्लीफाई किया गया। पहले टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थे, पहले तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया इनटू पॉल्यूटिंग एंड नॉन पॉल्यूटिंग कैटेगरी, ठीक है। जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी वो कहीं पे भी सेटअप की जा सकती थी, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उनको वो शहर जहां पे कम से कम 10 लाख की आबादी, 1 मिलियन की आबादी, उनसे कम से कम 25 किलोमीटर दूर सेटअप करना है। तो लोकेशन पॉल्यूशन के हिसाब से भी डिसाइड की, और भी बहुत फैक्टर्स थे लोकेशन में, बट नॉन पॉल्यूटिंग कहीं भी इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो, पॉल्यूटिंग शहर से 25 किलोमीटर बाहर। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी है 1991 की, 1991 में और उसके बाद 2000 तक, 2005 तक, 2010 तक जहां जहां पे भी 25 किलोमीटर दूर ये इंडस्ट्री सेटअप की गई थी, अब वहां वहां पे भी जनता पहुंच चुकी है, समझ गया बात को। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना आपकी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो पहले जरूर शहर के बाहर सेटअप की गई थी, अब शहर जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की बात करो तो मुंबई के बाहर फैलता चला गया आपका, नवी मुंबई तक पहुंच गया। आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली फैलता चला गया, बदरपुर तक पहुंच गया। अब आप जाके बदरपुर में देखो एकदम भीड़ होती है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, पहले उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, आज से 20 साल पहले अगर आप चले जाते हो तो 20-25 साल पहले। तो ओवरऑल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भले ही आपने पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री शहर से 25 किलोमीटर बाहर रखी थी 1991 की पॉलिसी में, लेकिन अब तक अब वहां पे भी शहर पहुंच चुके। नेक्स्ट बात करते हैं कंपल्शन ऑफ फेस्ड प्रोडक्शन अबॉलिश्ड। पहले की प्रोडक्शन पॉलिसीज में क्या था
कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर को एक लिमिटेड कोटा ही पैदा करना पड़ता था, वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, और अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको पूछना पड़ेगा। अब भाई किसी भी प्रकार के फेस प्रोडक्शन की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो जितना चाहें उतना पैदा कर सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स जितना चाहें उतना पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर अबॉलिश्ड। अब ये क्या सीन है भाई, कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स अबॉलिश्ड, पहले कंपल्सरी था क्या लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना? नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी 1960s में शुरू की थी सरकार ने, और उसके चलते सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को सरकारी कंपनीज में बदलना शुरू किया, फॉर द ग्रेटर बेनिफिट बुक बोला उन्होंने। सरकार को अपने आप को वेलफेयर स्टेट बनाना था, बहुत सारे बैंकों को यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया, तो अब सरकारी बैंक हो गए तो सरकारी बैंक तो लोगों के लिए काम करेंगे, ये लॉजिक दिया गया, प्राइवेट बैंक तो लोगों के लिए काम करते नहीं है। तो इस प्रकार के लॉजिक के चलते 1960s में 1970s में आप देखोगे कि ओवरऑल बहुत सारी कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया, जो मेजर बैंक थे कंट्री में लगभग 14 बैंकों को यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब खास बात ये थी कि जब बैंक नेशनलाइज हुए, अब इन बैंकों का काम क्या था, अब इन बैंकों का काम था कि इंडिया में प्लान डेवलपमेंट करना। अब फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्राइवेट कंपनीज हु हैड बोरोड कैपिटल फ्रॉम दीज बैंक्स व्हेन द बैंक्स वर प्राइवेटली ओन्ड नाउ वांटेड देयर लोन्स बैक टू बी पेड बैक। तो अब समझिए, एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी बहुत सारे लोगों को लोन बांट रहा है, एकदम से सरकार आती है, सरकार बोलती है कि हम तुमको नेशनलाइज करने, तुम हमारे, तो जो बैंक के इन्वेस्टर्स हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने बहुत सारा पैसा लोन पे घुमा रखा है बाहर, तो हमारा वो पैसा वापस कर दो, हमने जितना पैसा लोन पे घुमाया आप नेशनलाइज कर रहे हो करो, हमने जितना पैसा बाहर लोन पे घुमाया वो हमको वापस कर दो। तो ये बोल दिया यहाँ पे, किसने बोल दिया, मतलब ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, चूंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स पहले बैंकों के मालिक थे, एकदम सरकार के आके बोल रही है कि नहीं भाई तुम बैंकों के मालिक नहीं है, बैंक को हम कब्जा कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे भाई हमारा जो पैसा हमने उधार बैठा वो तो पहले दिलाओ वापस। तो यहाँ पे सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए एक नॉवल प्रोविजन निकाला। अब समझिए, पहले एक, ध्यान सुनिएगा, पहले एक बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, इस प्राइवेट बैंक ने बहुत सारी कंपनीज को पैसा बांट रखा है, मान लो ए कंपनी को, बी कंपनी को पैसा बांट रखा है, सी कंपनी को पैसा बांट रखा है, डी कंपनी को पैसा बांट रखा है। अब एकदम से सरकार आती है और प्राइवेट बैंक से बोलती है तुमको हम नेशनलाइज कर रहे हैं, अब तुम हमारी, तो प्राइवेट बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे, ओनर्स थे, वो बोलेंगे कि भैया हमारा लोन वापस दिलवा दो। अभी लोन कैसे वापस करें, ए बी सी और डी ने हाथ खड़े कर दिए, बोला अभी हमारे पास पैसा नहीं है वापस देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, ये जो ए बी और सी और डी कंपनी है, इन कंपनियों से बोला कि तुम एक काम करो, अपने लोन को तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि अगर ए ने प्राइवेट बैंक से पैसा उठाया है मान लो 1000 करोड़ का, तो ए वाली जो कंपनी है ना, उस कंपनी की 1000 करोड़ की जो इक्विटीज होंगी ना, वो इस बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और बैंक किसकी ओनरशिप में जा रही है, सरकार की ओनरशिप में जा रही है, और उसके इक्विवेलेंट पैसा जो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको सरकार से देगी। तो इस प्रकार से सिर्फ बैंकों को नेशनलाइज नहीं किया है सरकार ने, जो प्राइवेट बैंक थी उसको तो कब्जा किया ही किया, प्राइवेट बैंक ने जिन प्राइवेट कंपनियों को पैसा उधार पे घुमाया था, वो प्राइवेट कंपनी जब पैसा वापस नहीं कर पा रही थी तो अपनी इक्विटी दे देनी थी बैंक को, और बैंक किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में केवल बैंक नहीं आई है, साथ साथ उन प्राइवेट कंपनीज की स्टॉक्स, इक्विटी, शेयर्स भी आ गए हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर बैंक से लोन उधार लिया था। मतलब सरकार ने कंपलसरी कन्वर्जन कर दिया कि मान लो किसी प्राइवेट बैंक ने लोन पे घुमाया पैसा, प्राइवेट कंपनी को पैसा मिल गया, अब उस प्राइवेट बैंक को सरकार हथियार रही है, और सरकार बोल रही है कि तुम अभी अगर पैसा वापस नहीं कर सकते हो लोन का, तो तुम हमको इक्विटी दे दो, पार्टनरशिप दे दो। तो ये प्राइवेट कंपनीज बोलेंगी तुम लोगों ने अच्छा मजाक कर रखा है, तुमने तो पहले बोला था लोन रिटर्न पीरियड ये है, अब तुम बीच में आके कह रहे हो इक्विटी दे दो, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज थी ना, ये भी डरने लगी, इसका काफी निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि हम मेहनत करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, और हमारे एफर्ट को सरकार नेशनलाइज करके हमें कब्जा लेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हुई, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि स्टेट वापस जा रहा है, मतलब रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट हो रहा है, मतलब स्टेट का रोल यहाँ पे कम हो रहा, हो भी रहा था स्टेट का रोल कम। तो चूंकि यहाँ पे स्टेट का रोल कम हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई स्टेट का रोल इतना कम मत करो, ठीक है ना। उनका ये बोलना था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल रिजाइम रखो, थोड़ा बहुत लाइसेंसिंग राज रखो, थोड़ा बहुत सरकार का कंट्रोल रखो। अब तक क्या था कि जब इकोनॉमी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था उससे बहुत लोगों को फायदा था,
चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, मल्टीनेशनल्स हो, जो हमारे डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस थे, बिजनेस इंटरप्राइजेस, उनको तक को फायदा था क्योंकि भारत सरकार उनको प्रोटेक्शन देती थी। अब एकदम से इकोनॉमी खुलेगी तो बाहर का कॉम्पिटिशन आएगा, तो आपको बाहर वालों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, और अगर आप टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं हो तो आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी हमारी सरकार यहाँ पर रुकी नहीं, हमारी सरकार धीरे धीरे करके यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करती गई, इकोनॉमी को ओपन करती गई, और धीरे धीरे हमारे जो बिजनेसमैन थे वो भी इस प्रोसेस के साथ अडेप्ट करते गए, और एक समय के बाद हमारे बिजनेसमैन ने बोला कि और इकोनॉमी को खोलो, इकोनॉमी अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ ना, उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाना है, रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब ये है कि जितना पैसा आपका इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है वो लोगों के बेनिफिट के लिए पहुँचना चाहिए, मासेस के बेनिफिट के लिए पहुँचना चाहिए, और इसके लिए सरकारी एजेंसीज और गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई 1991 की, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का काम बंद हो जाएगा, सरकार को तो लगातार काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल कोलिशंस को इस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि वो प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेबर लॉस को रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करने की कोशिश करें, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करें, एजुकेशन को एनरिच करने की कोशिश करें, मासेस को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ये सब बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। तो सबसे बात आप ये समझिए तगड़ी कि भाई हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 की, डेफिनेटली इन रिफॉर्म्स के चलते हमारा देश बहुत तेजी से डेवलप हुआ, इस बात में कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम बस एक है कि जो तेजी से डेवलपमेंट हुआ ना हमारे देशों का, इस डेवलपमेंट का फायदा सारे तबकों तक नहीं पहुंचा है। ये हमेशा से यहाँ पे एक प्रॉब्लम चीज रही है कि फायदा नहीं पहुंच पाया बहुत तबकों तक, और ये फायदा पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आज तक हम इस चैलेंज के साथ जूझ रहे हैं। तो ये था एनालिसिस दोस्तों न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जो डेली के बेसिस में करंट अफेयर्स और एडिटोरियल डालता हूँ, उसके लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।